लगता है 2019 का चुनाव? 2019 का चुनाव विकास के मुद्दा पर ही लड़ा जाएगा, विकास के आधार पर ही वोटिंग होगा। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी इस बार? एनडीए की सरकार ही बनेगी। मोदी आएंगे फिर? जी आ जाएंगे। और ये जो 72,000 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस छलवा है, कांग्रेस की छलवा नीति है, ये छलावा है। कन्हैया कुमार कहाँ हैं इस लड़ाई में? कहीं नहीं, उनका कहीं अस्त्र नहीं है लड़ाई में। अच्छा, तो लड़ाई है गिरिराज और तनवीर में। जी जी बिहार। पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्रामीण विकास की बात है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट है। 7 निश्चय में काम हुआ कुछ? बहुत ज़्यादा, 100% काम हुआ पंचायत में। कितना, मतलब कितने का फंड आया? 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ के आसपास काम हो गई? जी जी पूरा काम। शौचालय वगैरह का निर्माण? जी जी 90% से ऊपर। पेमेंट कितने का हुआ? 50% के आसपास। 50%। तो आप लोग की कमाई भी अच्छी खासी हुई होगी? ना ना, हमें पंचायत में किसी प्रकार की अवैध असूल नहीं किया गया। नहीं जी नहीं। सरकार के दावे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन? नहीं, सरकार इस मामले में, शिक्षा के मामले में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में फेल है। आपके आंगनवाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है? इतना अच्छा नहीं है। मिडिल स्कूल? बुरी स्थिति है उसका। आप मॉनिटरिंग में जाते नहीं हैं? नहीं, कभी कभी जाते हैं, स्थिति नहीं है। स्थिति ठीक नहीं है। सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम वीरेश हजारी है, मेरी माँ मुखिया है मंझोल पंचायत एक। अच्छा। मैं माँ के मदद में हमेशा तत्पर रहता हूँ। जनता का सेवा मैं बरसों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करते आ रहा हूँ और आगे भी भविष्य में मैं जनता का सेवा करते रहूँगा। क्या लगता है 2019 का चुनाव बेगूसराय में? 2019 का चुनाव जो है वो चुनाव मेरे हिसाब से त्रिकोणीय होने जा रहा है। तमाम उम्मीदवार, मतलब जो है क्या कहते हैं, वो अपना अपना भविष्य जनता के बीच में आजमा रहे हैं। अच्छा, बेहतर कौन से उम्मीदवार दिख रहे हैं आपको? देखिए, अब तो वो समय रहा नहीं जो किन्हीं को बेहतर कहा जाए। फिर भी जो हैं उन्हीं में? नहीं, हम लोगों के हिसाब से कोई उम्मीदवार बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं, फिर क्या करेंगे आप लोग? एक उम्मीदवार बाहर से आए हैं, दूसरे उम्मीदवार जो है सो मान लीजिए सामाजिक न्याय कहते हैं, तीसरे उम्मीदवार जो हैं सो बाहर ही रहते हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से किन्हीं को बेहतर नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है फिर आप लोग? ऑप्शन मात्र हम लोगों के बीच में एक ही है कि नोटा को दबा दिया जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं। नोटा दबाएंगे जी। पंचायती राज व्यवस्था से, विकास से कितना संतुष्ट हैं? पंचायती राज व्यवस्था से विकास हो रही है। क्या सब विकास हुआ अभी तक आपके यहाँ? मेरे यहाँ जो है सो क्या कहते हैं, रोड नाला ये सब तो बन रहा है। कितना का अभी तक फंड आया था 7 निश्चय में? 7 निश्चय में फंड है, अच्छे फंड है। फिर भी अप्रोक्सीमेटली वो लगभग 95 लाख के करीब। लगभग 1 करोड़। काम कितने का हुआ? काम हो रहा है। कितना का हुआ ये पता नहीं? नहीं, तो अभी तो 2-3 महीना से हम लोगों के यहाँ समस्या है कि हमारे पंचायत सचिव जी की हत्या हो गई। अच्छा। अभी काम भी बंद है और रिकॉर्ड भी, हम लोगों का सब उन्हीं के यहाँ रहता था तो रिकॉर्ड भी बंद है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन की सरकार के जो दावे हैं? नहीं, ये तो दावा खोखला है, झूठे दावा हो रहा है। कहीं कोई शिक्षा है ही नहीं। अपने मन से गार्जियन मेहनत करते हैं, बच्चा उन्हीं का पढ़ रहा है। सरकार के तरफ से जो योजना आती है शिक्षा में वो सब तो बेकार हो रहा है, कहीं धरातल पर है ही नहीं। आप आंगनबाड़ी में चल जाइए, मेरे यहाँ 9 का 9 आंगनबाड़ी है, कहीं का स्थिति अच्छा नहीं। 15 वार्ड में 9 आंगनबाड़ी हैं, कहीं का स्थिति बढ़िया नहीं है। मिडिल स्कूल का स्थिति भी बढ़िया नहीं है।
न पढ़ाई है न भोजन। नहीं, नहीं, पढ़ाई तो है ही नहीं, भोजन मिलता है। मिलता है, मिलता है मीनू के हिसाब से। मीनू के हिसाब से ही मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। सर आप अपना परिचय दें। महावीर महतो जी, मुखिया ग्राम पंचायत राज महेशवाड़ा। अच्छा, ग्राम पंचायत महेशवाड़ा के आप मुखिया हैं जी। सर ये बताएं कि 2019 का चुनाव किस करवट बैठने जा रही है बेगूसराय में? यहाँ तो त्रिकोणात्मक संघर्ष है। अच्छा, त्रिकोणात्मक संघर्ष है यहाँ जी। हाँ, आपके मंझौल एरिया में या पूरे बेगूसराय में? लगातार पूरे बेगूसराय में। पूरे बेगूसराय में पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? जितना होना चाहिए उस तरह की सुविधा नहीं है। क्या सुविधा नहीं मिल रही है? इसलिए कि मुखिया वगैरह को सिर्फ लोग एक तो मुखौटा बनाए हुए हैं। अच्छा, फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी नियमावली से संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है कि ग्राम पंचायत में जो विकास का अभी तक आपने जो काम किया है उसमें कितना प्रतिशत तो जमीन पर उतर पाया है? हम अपने पंचायत के बारे में बात करते हैं। हाँ, हम आपके कुछ काम किए हैं, जो काम किए 100% किए हैं जी। शौचालय वगैरह का निर्माण? शौचालय वगैरह बहुत धांधली है। बहुत धांधली है, धांधली कौन करते हैं? ऊपर के जो उनके स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, जो वो धांधली करते हैं। क्योंकि उसका कोई रजिस्टर वगैरह है नहीं, वो नेट पर होता है, लोग पैसा ले लेकर के जिसको मन होता है उधर इधर कर रहे हैं। मुखिया को कोई इसका सूचना है नहीं। यहाँ के स्वच्छता ग्राही कौन है? यहाँ के हैं कोऑर्डिनेटर है सर, कोई सरनम कुमारी। अच्छा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन की सरकार के दावे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में जो आंगनबाड़ी केंद्र है या मिडिल स्कूल है या उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां MDM की योजना चालू है, ये सब लूट खसोट है? ये सब टोटली लूट खसोट है। इसमें लूट खसोट करते कौन है? करते मिली भगत है, शिक्षकों की या माने आंगनबाड़ी जो है इसका CDPO है। CDPO क्योंकि एक बार सेंटर नहीं आती है चेक करने लिए कितने बच्चे हैं, नहीं हैं, क्या है, कभी तो आती नहीं है। सबको अपना परसेंटेज जाता है, अपना जो बैठे हुए हैं जहाँ जो बैठे हुए हैं सबको परसेंटेज जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? पंचायती राज व्यवस्था के ग्रामीण विकास से हम 80+ संतुष्ट हैं। अच्छी काम हो रहा है हमारे पंचायत में। सात निश्चय में कौन कौन सा काम हुआ? सात निश्चय में गली हो गया है, बहुत सारे वार्ड में योजना खुल गई है, बहुत सारे कार्य प्रगति पर है, बहुत सारे पूर्ण हो गए हैं। शौचालय 80% से ऊपर पेमेंट भी मिल चुका है हमारे पंचायत से। पंचायत हमारे पंचायत से 80% से ज़्यादा लोगों को शौचालय का पैसा भी मिला है। शौचालय 80% शिक्षा व्यवस्था हमारे पंचायत में ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से आते हैं मास्टर शिक्षक लोग, टाइम से जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आंगनबाड़ी भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक, 2019 का चुनाव क्या लग रहा है? 2019 का चुनाव हमारे क्षेत्र में BJP निकलेंगे, ये लोग से उम्मीद करते हैं और लोग उस तरफ जाते हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार नहीं जीत रहे हैं जी? कन्हैया कुमार को उतना पॉपुलेशन नहीं देख रहे हैं। तनवीर हसन जोर बर जोर में रहेंगे। अच्छा, लड़ाई उन्हीं से होगी जी।